मेरा भवन लाल है, मैं राजस्थान से जो मूर्ति बनाता हूँ, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस राजस्थान से आता है, जो राजस्थान में उसको खड्डी मिट्टी बोलते हैं, और वो जिप्सियम थोड़ा मिलाकर उसको सीमेंट की तरफ तैयार किया जाता है, जिससे हम हमारे पास एक जो उसका ढाई बनाते हैं, जो हमारे पास है ये, उसमें रबड़ का फ्रेम रहता, उसमें जो प्लास्टर हो उसको डाल के उसका कम से कम मिनिमम एक आधा घंटा लगता, आधा घंटा में ये पूरा मूर्ति तैयार हो जाता। उसका घोल बनाने के बाद मॉडलिंग से ऐसा बाहर निकलता है, जैसा वो तैयार करने के बाद वाइट आता पूरा। उस पर रिपेयर भी करना पड़ता है, उसमें कलर भी डालना पड़ता है, तथा उसमें वैरायटी अलग अलग पेरे पूरे हमारे पास और भी रहते, मिट्टू भी रहते, लाफिंग बुद्धा भी रहते, जैसे कि राधा कृष्ण भी रहता, कृष्ण भी रहता, सिंगल कृष्ण भी रहता, और हरण भी रहता, वैरायटी रहती है, तथा उसमें गल्ला गुरी बोले ओ बोले, तथा सूर्या पेट से नलकुंडा मरियलकुंडा तिरमल गिरी से हमारे पास लेग्यूरी हॉल छोल के गिरा गाते, तथा हमारे नकरकल यूनिफॉर्मला पटेल नगर में ये हॉल छोल का दुकान लगा है। जो बनाना है वो हाथ से बनाते, हाथ से बनाने के बाद हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता जल्दी जल्दी काम चलाना, जैसे कंपनियों में मशीना लगी है, जैसे भी हमारे को बनाना जल्दी बनाने के लिए हाथ से बनाएंगे तो 5 दिन 6 दिन 10 दिन भी लगता है एक बनाने में। अगर यह जो हमने भी एक मैकेनिक की तरफ एक सोच हमारे भी बढ़ाई, तब एक पहले हाथ से मूर्ति बनाया, उसके बाद में कच्चा रबड़ मारा, कच्चा रबड़ ला के उसका डिजाइन भी मार मार के हमने उसका एक फ्रेम तैयार किया। फ्रेम तैयार करने के बाद उसमें भी एक अच्छे उसका ढाई बनाना पड़ता, ये जो हमने उसका ढाई बनाया, ढाई बना के उसमें डाल के उसको बांधना पड़ता है, ऐसा ऐसे बांध के रेडी रहता। उसमें हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता, जो आपको बोला था जिप्सियन पाउडर, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो बहुत जबरदस्त टाइट आता करके, हमारे राजस्थान में खड्डी मट्टी से तैयार किया हुआ ये है, उसमें जिप्सियन मिलाया हुआ है। उसको हम कम से कम उसको जितना मूर्ति में कितना होना उसका 15 मिनट का टाइम रहता, उसमें एक उसमें घोल बनाते हैं, उतना कुछ भी सामान लेते हैं, उसका घोल बनाना पड़ता, उसमें थोड़ा पानी डाल के, जैसे ये पानी डाल के उसमें डालते, उसमें डाल के करीब से करीब उसको 1 घंटा आधा घंटा रखते तो तैयार होता। उसको बाहर निकाल के उसको रिपेयर भी करना पड़ता, वो भी करना पड़ता, वो कम से कम हमारे खर्च में कम से कम उसको एक बनाएंगे तो उसका खर्च हमारे 35-40 रुपये आता है एक। जैसे कि हमारे राजस्थान से वो प्लास्टर और पेरिस उधर से आते हैं, उसका GST के साथ आ रहा है, वो पहले कम रहे थे, अभी लॉकडाउन के बाद GST स्टार्ट कर लिया, जैसे पहले 250 रुपये में बोरा आ रहा था, अभी GST 5% लगा के आ रहे हैं, तो हमारे 350 400 तक गिर रहा है, और इधर से भी दूसरे व्यापारी के पास से लेंगे तो 450 में एक बस्ता गिर रहा, जो साथ में राजस्थान से लोड मंगवाते, कम से कम 1 टन मंगवाते, 1000 बोरा है, 800 बोरा है, तो हमारे 10-20 रुपये का फायदा मिल सकता। जैसे कि छोटा बिजनेस है, 100 बस्ता है, 40 बस्ता खरीदना है, तो उसमें ज़्यादा रेट दे के, जैसे हैदराबाद से लाया है, हैदराबाद में भी ऐसा कंपनी, लेकिन वो रेटा ज़्यादा ले रही है करके 500-400 रुपये का एक बस्ता मिलता, तो हमारे करीब वो मूर्ति का भी रेटा बढ़ जा रहा है करके, हमारे राजस्थान से मंगा के थोड़ा भी इधर इधर करके, हमारे पास बड़ी कंपनी करके हमारे पूरा लोड आता करके, बना के आपको हॉल सॉल में दे देते हैं, जो आपको जो जो अभी भी बताया प्राइस बताया कि ये इतना में गिरेगा, इतने हमारे पास कम से कम 100 वेराइटी है, 100 वेराइटी में जो आपको रेट बताया वो बताया बताया तो बैठे सोया है, मक्खन खा रहा था, ये वेराइटी में सोया लेटेस्ट हुआ है, वो आपको 120 रुपये में कलर में गिरेगा। अलावा ये जसोदा मैया और कृष्णडू है, जो बचपन में कृष्णडू इधर इधर खेलने के जा रहा था, जब जसोदा मैया उसको बांध के रख रहे थे, उसका फोटो डाले सुबह, जो एक पेड़ के खंभे को बांध के रखा है, वैसा उसको डिजाइन में बना के रखा जसोदा मैया और कृष्णडू को।